हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बहुत ही खूबसूरत सा मोतियों का तोरण किस तरह से बनाना है वो बताऊंगी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरा मोतियों से ये मैंने तोरण बनाया है और वेस्टेज बैंगल का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है और ऊन का इस्तेमाल करके ये मैंने बहुत ही खूबसूरत सा तोरण आप सबके लिए बनाया है आप सबके रिक्वेस्ट पे। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने देखिए लिया है वेस्टेज बैंगल, और बैंगल हमें छोटे बड़े चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कांच के और प्लास्टिक के मैंने बैंगल्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हमें देखिए इस तरह से डबल करके ऊन ले लेना है और बैंगल ले लेंगे यहाँ पे हमें कांच का बैंगल और प्लास्टिक का बैंगल, यानी हमें छोटा बड़ा बैंगल्स चाहिए। तो इस तरह से हम दोनों को पकड़ के यहाँ पे देखिए ज्वाइन करना है हमें। देखिए छोटे बड़े बैंगल्स का हमें इस तरह से साइज का लेना है। उसके बाद अभी देखिए ऊन को हमें बैंगल्स पे पूरा लपेटते जाना है, कवर करेंगे पूरे बैंगल को ऊन से। देखिए इस तरह से देखिए पूरा यहाँ पे हमें कवर कर लेना है। अभी यहाँ पे देखिए दोनों बैंगल्स को एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से हमें पैक कर लेना है। यहाँ पे हम अलग से ऊन यहाँ पे लगा लेंगे, कम पड़ रहा है इसलिए फिर से हमें यहाँ पे पूरा कवर कर लेंगे बैंगल को। देखिए यहाँ पे बैंगल को पूरा कवर कर लिया है और एक बार और दोनों को टाइटली यहाँ पे पैक करना है, गांठे लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से मैंने बैंगल्स को कवर कर लिया है और इस तरह से अब देखिए यहाँ पे नीडल की सहायता से बड़े जो बैंगल्स हैं, यहाँ पे दो बड़े जो बैंगल हैं, इन्हें हमें एक दूसरे के साथ इस तरह से ज्वाइन करना है। अब देखिए यहाँ पे छोटा, अब जैसे दो यहाँ पे मैंने बड़े बैंगल्स को ज्वाइंट किया है, अब यहाँ पे हम कांच का एक बैंगल ले लेंगे, यानी दो, एक छोटा फिर दो बड़ा फिर एक छोटा, इस तरह से करके यहाँ पे बैंगल्स लगा लिया है। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए एक कार्डबोर्ड लिया है और कार्डबोर्ड पर मैंने ग्रीन कलर का ऊन लिया है और यहाँ पर हमें पॉम्पॉम तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं टोटल 20 टाइम इस तरह से कार्डबोर्ड पे उनको लपेट रही हूँ। अब इसमें से निकाल लेना है उनको कार्डबोर्ड से, और यहाँ पे अभी उनकी सहायता से हमें एक एक इंच पे बांध लेना है। देखिए यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया और अभी बीच बीच में से हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए, और हथेलियों से जरा सा प्रेस करते हुए अब जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह से सभी को कट कर लेना है और पॉम्पॉम को बना के तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए ऑरेंज कलर का पोमपोम लिया है और मैंने यहाँ पे गोल्डन और वाइट कलर के छोटी मनियाँ ली हैं, छोटे बीड्स लिए हैं। तो पहले गोल्डन डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पे सफ़ेद वाली जो मनी है, यहाँ पे टोटल हमें 5 इसमें डाल देना है। देखिए फिर उसके बाद फिर से एक गोल्डन छोटी वाली मोती है,
उसी बार फिर से यहाँ पे ग्रीन कलर का पोम पोम लगा देंगे। उसी बार फिर से हमें एक गोल्डन कलर की छोटी मोती डालनी है, फिर बड़ी वाली 5 मोतियाँ इसमें डाल देंगे। फिर से एक गोल्डन वाली पोम पोम लगा देंगे। फिर हमें 5 मोती लगानी है। उसके बाद तो यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 6 टाइम मैंने यहाँ पे ये लड़िया बना मोती लगा के मैंने इसे तैयार किया है। और यहाँ पे अब जो स्टार्टिंग का जो बैंगल है छोटा वाला, उसमें हमें इसे यहाँ पे जॉइंट कर लेना है। यहाँ पे इसे जॉइंट कर लिया। अब ऐसे ही हम दूसरा वाला तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे 6 है तो दूसरे वाले में हमें 5 टाइम, देखिए यहाँ पे मोतियों के साथ मैंने पोम पोम को लगा दिया है, यानी छोटा बड़ा हमें बनाना है। इसे इसी तरह से अभी 4 देखिए 1 2 3 4 4 मोतियों के बनाई है मैंने लटकन। फिर इसी बार 3 मोती का लटकन तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पे छोटे बड़े में लटकन तैयार करके और यहाँ पे मैंने बैंगल के साथ इसे जॉइंट कर लिया। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे छोटे वाले बैंगल्स में मैंने ऊन फंसा लिया है और इसमें हमें मोती और पोम पोम फंसा लेना है। तो यहाँ पे 5वें मोतियाँ इसमें डाल दे रही हूँ। इसे एक गोल्डन यहाँ पे डाल देना है, एक छोटी गोल्डन मोती डाल दी, एक पोम पोम फिर से फंसा लेंगे। देखिए यहाँ पे पूरा मैंने टोटल देखिए 9 मोतियों का ये लटकन बनाया है। फिर से यहाँ पे दूसरे वाले बैंगल्स के साथ इसे ज्वाइंट कर लेंगे। अब यहाँ पे फिर से हम ये देखिए ये दूसरा वाला उन फंसा लेंगे बैंगल में। और उसके बाद जैसे कि हमने स्टार्टिंग में 9 मोतियों का लटकन तैयार किया था, अब देखिए यहाँ पे 8 मोतियों का लटकन बना के तैयार कर लिया है। अब इसे भी हमें बैंगल के साथ ज्वाइंट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 लड़िया यहाँ पे तैयार की है और जो एक्स्ट्रा यहाँ पे बैंगल मैं इसे कट कर दूँगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसे निकाल दिया, आप चाहे तो इसे रख भी सकते हैं। फिर से हम मैंने पोम पोम लिया है और अभी छोटा छोटा लटकन तैयार करेंगे। बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने देखिए थ्रेड की नली ली है और इसे हमें कट कर लेना है। इसे हैंग करने के लिए इस्तेमाल करूंगी मैं तोरण को। और यहाँ पे ये देखिए ग्लिटर पेपर लिया है और ग्लिटर पेपर से इस नली को कवर कर लेना है, पूरा दिखने में भी खूबसूरत लगेगा। ऐसे ही यहाँ पे पूरे को कवर कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जो छोटे लटकन तैयार किए थे इसे यहाँ पे हमें फंसा लेना है, चिपका लेंगे। और इस साइड भी मैंने चिपका दिया है। यहाँ पे हैंग करने के लिए बनाना है तो यहाँ पे पहले ऊन से फंसा लेंगे और एक पोम पोम, फिर एक मोती, फिर एक पोम पोम, इस तरह से करके तैयार करना है। देखिए मोती डाल दिया, फिर एक पोम पोम डाल देंगे। और यहाँ पे जो नली बनाई है हमने हैंग करने के लिए, अभी इसे भी फंसा लेंगे यहाँ पे।
फिर से दूसरे वाले में फंसा लेंगे। ऐसे ही हमें यहाँ पे सारे बैंगल्स में ये लटकन बना लगा लेना है। यहाँ पे देखिए लास्ट में भी मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा देंगे। यहाँ पे छोटे मिरर का इस्तेमाल किया है मैंने। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, तोरण बनके कंप्लीट हो गया। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा इसी तरह के वीडियोस के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।